साथियों, ये विषय है पहला वोट बैंक की पॉलिटिक्स और दूसरा परिवारवादी राजनीति। जब मैं दो विषयों की चर्चा करता हूं तो ये परिवारवादी लोग मुंह पर ताले लगा देते हैं और उनके जो इकोसिस्टम है ना, वो भी बात को उलट करके दूसरी दिशा में ले जाती है। आप देखिएगा, ये लोग कभी इसका जवाब नहीं देते क्योंकि इनके दिल में खोट है। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और परिवारवादी राजनीति दोनों ने देश का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। जब आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, किसी का तुष्टीकरण करते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि समाज के एक बड़े वर्ग से आप विकास का हक छीन रहे हैं। जब आप परिवारवादी राजनीति करते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि आप किसी साधारण व्यक्ति से आगे बढ़ने का अधिकार छीन रहे हैं। साथियों, एक समय था जब इन नेताओं ने वोट बैंक पॉलिटिक्स को, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, उसे खाद पानी दिया। आज वोट बैंक की इसी पॉलिटिक्स ने, तुष्टीकरण की इसी राजनीति ने इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को अपना बंधक बना दिया है, बंधक बना दिया है। अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही इन दलों की, इन नेताओं की मजबूरी बन गई है। इसलिए आज भी उनका हर फैसला इसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से ही होता है। ये फैसला अगर देश हित के खिलाफ हो तो भी ये नेता उस फैसले को लेने में जरा भी हिचकते नहीं है। उनको देश की नहीं, वोट बैंक की चिंता रहती है। और इसलिए आप लोग देखते हैं कि लोग हमारी सेनाओं का अपमान करते हैं, हमारे पुलिस फोर्सेस का अपमान करते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने की बातें करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें करने से उनकी वोट बैंक को खुशी होती है। इसी सोच की वजह से ये लोग हमारे संविधान की परवाह नहीं करते, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। अभी आपने देखा है, 56, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 56 निर्दोष लोगों को कुछ ही मिनटों में अलग अलग जगह पर बम धमाके करके 56 लोगों को मार दिया गया था, सैकड़ों लोगों को अपाहिज कर दिया था। ऐसा भयंकर मानवता के खिलाफ कृत्य करने वाले आतंकवादियों को, 38 आतंकवादियों को गुजरात की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अब मैं देख रहा हूं, मैंने कहा कि अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, आप सब तालियां बजाने लग गए। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? न्याय मिला उससे आपको संतोष हुआ कि नहीं हुआ? आपको न्याय में विश्वास है कि नहीं है? लेकिन आप देखिए,
मानवता के दुश्मनों को फांसी हो गई, लेकिन वोट बैंक के डर से वोट बैंक खिसक जाएगी तो क्या होगा? इन पार्टियों ने अदालत के फैसले का स्वागत करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। भाइयों, जो लोग गुनहगार सिद्ध हो चुके हैं उनके लिए भी अगर रहम नजर रखते हैं, क्या ऐसे लोगों को राजनीति में सत्ता में आने का हक है क्या? ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, जहां तक दूसरी बात है परिवारवादी राजनीति की, तो उससे भी देश का बहुत नुकसान होता है। परिवारवादी राजनीति में पार्टी का अध्यक्ष परिवार का होता है, पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों पर परिवार के लोग ही जम करके बैठे होते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर दावेदारी भी उसी परिवार के सदस्यों की होती है। पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता, पिता के बाद बेटा, फिर बेटे के बाद बेटा या बेटी, बहू, उन्हीं लोगों को पद पर रहने का हक मिल जाता है। ये परिवारवादी पार्टियां यही पहले पक्का कर लेती है। इन पार्टियों में जो परिवार को समर्पित होता है उसी को वहां कुछ अवसर मिलता है, उनके लिए संविधान सुप्रीम नहीं होता है, परिवार का सुप्रीमो ही सुप्रीम होता है। वहां वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता, देश के लिए कुछ नहीं कर पाता, उसको तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के हित में ही काम करना होता है। ऐसी परिवारवादी पार्टियों में कार्यकर्ता के लिए स्पष्ट संदेश होता है, मेहनत आप करिए, फल हम खाएंगे।